अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैं सेशन लगाया हूँ 3.5 किलो वाट का साको कंपनी का। हमने इसके अंदर इन्वर्टर यूज़ किया है और इस साथ साथ पी टाइप जो है 550 वाली हमने जो है जे कंपनी की बायोफिशियल के अंदर जो डबल ग्लास जो होती है वो पैनल यूज़ किए। 4 पैनल भी इसके अंदर में लगाए हैं, बाकी पैनल इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं, 4 और 8 पैनल तक लगा सकते हैं इस इन्वर्टर के अंदर। 3.5 किलो वाट का ये इन्वर्टर है, इसका जो बैटरी यूज़ किए 2 बैटरियाँ डेवो कंपनी की, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने स्टोरेज की है, तमाम चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी हमसे सेशन लगवाना चाहते हैं तो दिए नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी आपको ऑडिशन देंगे, कराची में किसी भी जगह आप हमसे सेशन लगा सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इस हमारे चैनल से जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ प्रॉपर तरीके से। 1 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक की जो है मैंने इसके अंदर वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल विजिट करके, KIS सोलर के नाम से मेरा चैनल है। तो चलें फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमने किस तरह से जो है इन्वर्टर यूज़ किया है, कौन कौन से ब्रेकर यूज़ किए हैं। शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने, काफ़ी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, डिटेल वाली वीडियो भी मौजूद होंगी आपको मेरे चैनल के अंदर। लेकिन बस ये कुछ वीडियो छोटी सी बना दो कि आपको अंदाज़ा हो कि आपने अगर छोटा सिस्टम लगाना है तो आप इससे क्या क्या चला सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो आप लोड चला सकते हैं, इसमें आप अपना जो है 4 प्लेटों के अंदर अपने 2 फ्रिज, घर के 4-5-6 पंखे, TV वगैरह सारी तमाम लाइटें वगैरह चला सकते हैं। डे टाइम में इस्त्री कर सकते हैं सब कुछ बंद करके, पानी की एक और पावर की मोटर चला सकते हैं, या सब कुछ बंद करके 1 किलोवाट का इन्वर्टर ऐसे चला सकते हैं। तो ये तमाम लोड आप इस सिस्टम में चला सकते हैं। इसमें क्या खर्चा आएगा वो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको खर्चे की सारा तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा। चैलेंज भी दे सकते हैं, ये प्लेटें हमने जो है ज़मीन पर रख दी हैं, अभी इसका फ्रेम नहीं बनाया है, बाद में ये प्लेटें इसके अंदर ऐड करेंगे तो प्रॉपर तरीके से फिर फ्रेम बना लेंगे। अभी देखिए हमने ज़मीन पर रख दी हैं प्लेटें, दीवारें इनकी ऊँची तो इसलिए हमने जो है ब्लॉक के ऊपर रख दिए और चारों को सीरीज में कर दिया है, ये देखते हैं आप। लेकिन आपको मशवरा ये है कि आप प्रॉपर तरीके से जो है फ्रेम बनाइए क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है, तो ये अनसेफ्टी है। लेकिन कस्टमर ने बोला कि मैं कुछ टाइम में बनवा लूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर नीचे दिखाते हैं आपको इन्वर्टर हमने किस तरह इंस्टॉल किया है। चलिए जी, वो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है हमारा सिस्टम, हमने ये जो है कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर देखिए बैटरी लगाई है, 2 डेवो कंपनी की 180 ये बैटरियाँ हैं 2, और इसके अलावा जो है ये 3.5 किलोवाट का जो है ये इन्वर्टर लगा हुआ है साको कंपनी का। अच्छी परफॉर्मेंस है इस इन्वर्टर की भी, काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है। मिनिमम जो है 4 प्लेटों से स्टार्ट होता है ये, और मैक्सिमम इसके अंदर 8 से 9 प्लेटें लगा सकते हैं आराम से, 9 प्लेटें भी लग जाएंगी आराम से इसमें। तो मिनिमम आप सीरीज लगा सकते हैं 9 प्लेटों की। अभी हमने डी बॉक्स लगा दिया, ये डी बॉक्स में देख लीजिए क्या क्या चीज़ लगाई है हमने। ये सोलर का ब्रेकर आ गया है जो ऊपर PVC आ रहा है, और ये आ गया बैटरी का ब्रेकर 125 एम्पीयर का। ये जो है प्रेशर में 2 लगे हुए हैं, ये आउटपुट का है मेन और ये इनपुट का है। यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, जब लाइट आ जाएगी तो फिर ये इनपुट भी ले लेंगे। इस वक्त जो है लोड चल रहा है 1.2 एम्पीयर का। ये सोलर की हमने चेंजेबल लगाया है, एक तरफ सोलर दूसरी तरफ की इलेक्ट्रिक बाईपास हो जाएगी, और इसके साथ साथ ये प्रॉपर तरीके से जो है हमने पाइपिंग करके टक्की लगा के कर दिया है। और ये इस वक्त जो है लोड चल रहा है इनका सोलर से जो आ रहा है, बताया था आपको मैं, इस वक्त 4 एम्पीयर आ रहे हैं और 760 वाट आ रहा है सोलर से, क्योंकि टाइम तकरीबन 4:30-5 बजे का होने वाला है, इसकी प्रोडक्शन कम हो चुकी है। पीक टाइम में इसकी जो है 1300-1400 वाट तक आएगी आराम से। घर का लोड कुछ भी नहीं चल रहा, तकरीबन 250 वाट घर का लोड चल रहा है, 216 वाट कंप्लीट इसकी सेटिंग कर दी है हमने। और अगर आप भी हमसे इस सिस्टम लगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से आपको वर्किंग करके देंगे।